भागलपुर हवाई अड्डे पर पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में राज्य का बेहतर विकास हुआ है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जहानाबाद में लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस कुमार ने रोड शो किया। आपको बता दें कि ये रोड शो लोजपा के प्रत्याशी इंदु कश्यप के समर्थन में किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में लोजपा और भाजपा की संयुक्त सरकार आई। हम लोग आज चुनावी प्रचार में यहाँ रोड शो में आए हैं। अपने हमारी यहाँ के लोकप्रिय इंदु कश्यप जी हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत काम किया है और यहाँ की जनता का मांग था कि इन्हें टिकट दिया जाए और हमें पूरा उम्मीद है जो 10 तारीख का जो रिजल्ट आएगा उसमें लोजपा पार्टी को एक बहुत ही अच्छा हमें मत मिलेगा और उसके बाद भाजपा के नेतृत्व में लोजपा और भाजपा सरकार। जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में पीएम मोदी का वर्चुअल रैली आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार पिछले 15 सालों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की सफलता पर बात की। कहलगांव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना के मामले में कई सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद किया। नरेंद्र मोदी और नीतीश जी ने किसानों की, छोटे दुकानदारों की, मिडिल साइज स्मॉल बिजनेसेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और अब ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। जहानाबाद जिले के चंदरिया गांव में पानी में डूबने से 28 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृत व्यक्ति की पहचान अनंत कुमार के रूप में हुई है। आपको बता दें कि शौच करने के दौरान अनंत का पांव फिसल गया जिसके कारण वह पानी में डूब गया। इस घटना के बाद अनंत के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गायब था लड़का और घर वाले खोज खाज रहे थे, परेशान थे परिजन लोग। और आज सुबह में एक बैग बगल में ही एक पैन है उसमें बहुत पानी भरा हुआ है और वहाँ लोग घूमने के दौरान या शौच के दौरान लोग बाहर निकलें तो देखें कि पानी में एक आदमी डूबा हुआ है। उसी क्रम में लोग क्या शंका कुछ नहीं है सर कि वही सुबह घर से निकल गया शौच उच के लिए, रात में गया होगा और पैर पिछल के पानी में गिर गया और डूबने के कारण मौत हो गई। जहानाबाद के धनगावा में साढ़ू ने साढ़ू की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। इस मामले में जहानाबाद एसडीपीओ का कहना है कि परिजनों ने अपने बड़े दामाद पर हत्या का आरोप लगाया। देखिए ये प्रथम दृष्टया घरेलू विवाद प्रतीत होता है। दोनों मारने वाला जो है वो फतुआ का है जैसा अभी बताया जा रहा है यहाँ पर, और मरने वाला धनरुआ का है पिंटू पासवान, और मारने वाला मुन्ना पासवान जैसा बताया जा रहा है। घरेलू विवाद है, बुला करके रात में शायद इसकी हत्या की गई। मुन्ना है मान ली बेटी के उसको मार पीट कुछ करा तो उसमें हमको बोला कि तबियत खराब ले जाऊँ घर, हम बच्ची के घर ले आए तो कुछ दिन बच्चे अपन हम रखे दवा इलाज करा रहे हैं और जहाँ ले गए बच्चे के वहाँ साफ दबा गए। उसी में के चलते मुन्ना बोला कि हम एक दिन आया तो कड़ा से उठाया मुन्ना कि तरह मार दबा।